हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिल आपको सबसे पहले। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का पहले अपन इंट्रो देख लेते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन के इंट्रो में क्या है ये, अगर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं अपन ईटी ट्यूब या फिर ट्रेकिस्टोमी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, किसके अंदर एयरवे के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो मेथड क्या हो जाता है, इन्वेसिव मेथड हो जाता है। किसका? मैकेनिकल वेंटिलेशन का। दूसरा अपन देखते हैं इंट्रो के अंदर, अगर इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आईसीयू के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो अपन का अपना जो गोल रहेगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल होगा। अगर आईसीयूज में यूज़ कर रहे हैं, अगर अपन नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस या रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो गोल रहता है वहाँ क्या होता है, लॉन्ग टर्म इलनेस है, वहाँ पर यूज़ करते हैं अपन किसको, मैकेनिकल वेंटिलेशन को। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। क्या इन्वेसिव हो गया अगर ईटी और ट्रेकिस्टोमी यूज़ कर रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो मे बी आईसीयू में करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो फिर नर्सिंग या रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के अंदर करेंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन किसका, मैकेनिकल वेंटिलेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप में अपन बात करते हैं प्रेशर साइकिल। ये फर्स्ट टाइप क्या है इसका, प्रेशर साइकिल। अगर वेंटिलेशन का टाइप क्या हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन का टाइप प्रेशर साइकिल हो, तो इसके अंदर देखते हैं मेनली किसके यूज करते हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, किसके अंदर यूज़ करते हैं ये प्रेशर साइकिल, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर। सेकंड जो पीरियड है, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं क्या, प्रेशर साइकिल मैकेनिकल वेंटिलेशन। फिर उसके अंदर जो एयर पुश करते हैं, उसके अंदर एयर पुश करते हैं अपन किसमें, एयर पुश करते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। कितने टाइम के लिए, कब तक करते हैं, जब स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर जो है एयरवे का वो क्या हो, रीच नहीं हो। जब तक स्पेशल प्रेशर है वो एयरवे का क्या हो, रीच नहीं हो, तब तक अपन क्या करते हैं, पुश करते हैं एयर किसको, लंग्स। तो ये क्या होगा प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन में, क्योंकि अपन क्या है, रीच क्या देख रहे हैं अपन, कि स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो अगर रीच कर जाता है वहां तक देखते हैं, इसलिए प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रेशर रीच देखते हैं, पुश करते हैं अपन एयर को किसको, लंग्स के अंदर। तो प्रेशर की बात हो रही है इसलिए क्या है, वेंटिलेशन का टाइप क्या है, प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन। नेक्स्ट उसका टाइप पढ़ते हैं टाइम साइकिल वेंटिलेशन। तो मतलब इसका टाइम होगा, एक टाइम के अकॉर्डिंग होगा। इसके अंदर देखते हैं अपन टाइम साइकिल वेंटिलेशन के अंदर कि मेनली किसके यूज होता है, पीडियाट्रिक्स में और नियोनेटल, कहाँ यूज हो रहा है, पीडियाट्रिक्स और नियोनेटल के अंदर। इसके अंदर जो पुश करते हैं एयर पुश करते हैं लंग्स के अंदर, और क्या फिक्स टाइम के लिए, प्रीसेट टाइम, कब के लिए, कब तक पुश करते हैं, जब तक प्रेस जो प्रीसेट टाइम होता है वो इलाप्स नहीं कर जाए। प्रीसेट टाइम इलाप्स का मतलब होता है, इलाप्स टाइम का मतलब होता है बिगिनिंग से एंड, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इलाप्स टाइम। तो जितना आपने टाइम प्रीसेट किया है वहां तक अगर क्रॉस कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम साइकिल वेंटिलेशन। तो इसमें टाइम की बात हो रही है कि प्रीसेट टाइम यूज कर रहे हैं इसलिए टाइम साइकिल वेंटिलेशन। थर्ड बात करते हैं वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन। अगर क्या है, वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, अगर इसके अंदर भी क्या करते हैं, पुश करते हैं एयर को किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और इसका कब तक करते हैं, जब प्रीसेट वॉल्यूम जो अपन ने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है वो अगर डिलीवर नहीं हो जाता, प्रीसेट जितना किया हुआ है अगर वो डिलीवर हो जाता है तब तक अपन क्या करते हैं, पुश करते हैं एयर किसके अंदर, लंग्स के अंदर, इसीलिए बोलते हैं इसको वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, जो टाइडर वॉल्यूम होता है, टाइडर वॉल्यूम वो कॉन्स्टेंटली डिलीवर करते हैं, चाहे रिगार्डलेस आपकी चेस्ट वॉल हो, रेजिस्टेंस हो, लंग कंप्लायंस आपकी चेंज हो रही हो, पर अपन क्या करें, ये सब चीज़ें चेंज होने के बावजूद भी जो अपना टाइडर वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो इस वेंटिलेशन को क्या बोल देंगे अपन, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट, माइक्रो प्रोसेसर वेंटिलेशन। माइक्रो प्रोसेसर या एक कंप्यूटर, ये क्या करते हैं अपन, एक बिल्ड करते हैं किसके अंदर, वेंटिलेटर के अंदर। तो ये बिल्ड करने से क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर बिल्ड करने से आपकी जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है, और किस तरह से आपका वेंटिलेटर काम कर रहा है, क्या जब जब उसके अंदर डाटा वैल्यूज चेंज होते हैं तो वो अलार्म करेगा, और जो क्लाइंट के पैरामीटर्स है वो भी देखेगा। तो ये मॉनिटरिंग कर लेता है फंक्शंस को, अलार्म्स को, उसके पैरामीटर्स को, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर वेंटिलेटर। ये अपन माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, वेंटिलेटर के अंदर फिट कर देते हैं। फिर ये किसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सीवियर लंग डिजीज। माइक्रो प्रोसेसर वेंटिलेटर किसके अंदर देंगे, सीवियर लंग डिजीज के देंगे, और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के अंदर, सीवियर लंग डिजीज के अंदर देंगे और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अपन देंगे। प्रोलॉन्ग विलिंग का मतलब, विनिंग का मतलब क्या हो गया, वेंटिलेटर के एफर्ट कम हो गए और पेशेंट के खुद के स्पॉन्टेनियस एफर्ट बढ़ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, विनिंग। तो अगर प्रोलॉन्ग है विनिंग पेशेंट, उन पेशेंट के अंदर क्या यूज करने वाले हैं अपन, माइक्रो प्रोसेसर वेंटिलेटर वेंटिलेशन। तो ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइप हो गए। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन में कौन कौन से मोड है। सबसे पहले मोड के अंदर देखते हैं अपन बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, नॉन इनवेसिव प्रेशर वेंटिलेशन।
प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब नॉन इनवेसिव टाइप है जिसका मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर मोड का, नॉन इनवेसिव का टाइप मतलब इसमें ना यूज करें अपन ईपी ट्यूब, ना यूज करें टेकिस्टोमी ट्यूब। इसके अंदर क्या यूज करने वाले अपन, ओरोफेशियल मास्क या फिर लेजर मास्क जो होते हैं ये यूज करते हैं। मास्क यूज करा इसका इन्वेसिव नहीं है, इसलिए नॉन इन्वेसिव टाइप रखा हुआ है। कौन सा बाईपैर। सेकेंड बात करते हैं इसमें सेट क्या करते हैं अपन, आई पैर और ई पैर, मतलब इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इंस्पिरेशन के अंदर जो लेंगे जो प्रेशर और एक्सपिरेटरी के जो प्रेशर आएगा वो क्या करते हैं अपन सेट कर देते हैं इसके अंदर। फिर उसके अंदर क्यों सेट कर देते हैं और क्या डिजायर करते हैं अपन, ये प्रेशर सपोर्ट डिजायर करते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो क्या करता है एल्वियोलर कोलैप्स को रोकता है। तो ये अपन क्या करते हैं इसके अंदर डिजायर जो करते हैं कब, जब अपन सेट कर रहे हो आई पैप और ई पैप। उसके बाद अपन करते हैं इसके अंदर क्या नहीं चाहिए पेशेंट के अंदर, नॉर्मल अगर मस्कुलर एक्टिविटी नहीं भी है तो भी चलेगा, कौन सा पाइप है। कैसे क्लाइंट्स के अंदर जैसे सीओपीडी, हार्ट फेलियर, अस्थमा, पल्मोनरी एडिमा हो या फिर क्या कर या हो फिर हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर क्या होता है सीओ2 बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके अंदर क्या होता है हाइपर कैपनिया, कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एयर क्या करती है मूव करती है लंग्स के अंदर, इन करती है आउट करती है, जो फ्लो होता है इसका नॉर्मल होता है किन पेशेंट के अंदर, इवन जब किन उन पेशेंट में क्या हो मस्कुलर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो तब भी, कौन सा बाईपैप। अगर इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जब भी अपन बाईपैप यूज कर रहे हो तो एक चीज अपने याद रखनी है कि जो पेशेंट के बेड साइड है रिसेसिटेशन जो बैग है वो हमेशा रेडी होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर अराइज होती है इन बिटवीन तब क्या हो रिसेसिटेशन बेड साइड पड़ा हुआ हो। तो ये हो गया इसका बाईपैप। दूसरा बात करते हैं अपन कंट्रोल, कंट्रोल मेथड क्या है वेंटिलेशन का मोड जो है उसका कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड के अंदर क्या करते हैं इसमें टाइडल वॉल्यूम सेट कर देते हैं फिक्स रेट पे, इंपॉर्टेंट है। इस कंट्रोल मोड के अंदर क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं फिक्स रेट पे। दूसरा इनिशिएशन और रेस्पिरेशन नॉट नीडेड, उसके अंदर क्या था मस्कुलर एक्टिविटी नहीं चाहिए थी, इसके अंदर पेशेंट का अगर इनिशिएट नहीं कर पाता रेस्पिरेशन कोई बात नहीं ये कंट्रोल मोड कर लेगा। तो इनिशिएशन रेस्पिरेशन नॉट नीडेड इफ पेशेंट ट्राई लॉक आउट, अगर पेशेंट इनिशिएशन ट्राई भी करता है तो ये क्या करता है जो कंट्रोल मोड है उसको लॉक कर देता है, पेशेंट को एफर्ट लेने ही नहीं देता। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या है पेशेंट के एफर्ट नहीं लेने देता, इसलिए इसको क्या इस मोड को क्या बोलते हैं कंट्रोल मोड पर लीस्ट यूज, इट इज क्या करता है लीस्ट यूज, लीस्ट जो होता है इसका यूज है इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते इसको, किसको मोड को कंट्रोल मोड को। बात करते हैं कि थर्ड मोड जो है उसका असिस्ट कंट्रोल, कंट्रोल कर रहा है पर असिस्ट कर रहा है कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल तो कर ही रहा है उसके साथ असिस्ट भी कर रहा है। असिस्टेंस आगे इसलिए क्या बोलते हैं इसको मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमन यूज जो बोलेंगे अगर मोड है मैकेनिकल वेंटिलेशन का तो क्या आएगा असिस्ट कंट्रोल एसी मोड। इसके अंदर क्या करते हैं सेट करते हैं, इसके अंदर केवल टाइडल टाइडल वॉल्यूम सेट कर देते हैं फिक्स रेट में, इसके अंदर दो चीजें सेट करते हैं एक टाइडल वॉल्यूम एक वेंटिलेटर वेंटिलेशन रेट। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ, वॉल्यूम ब्रीथ का वॉल्यूम जो होता है पर ब्रीथ जो होता है अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वॉल्यूम पर ब्रीथ जो होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और जो वेंटिलेटर रेट क्या होती है जो ईच ब्रीथ के अकॉर्ड ईच ब्रीथ में क्या पर मिनट जो ब्रीथ जाती है उसको क्या बोलते हैं वेंटिलेटर रेट। वॉल्यूम जो है पर ब्रीथ हो गया टाइडल वॉल्यूम और जो ईच ब्रीथ होगी पर मिनट जो होती है ब्रीथ जाती है उसको क्या बोलते हैं वेंटिलेटर रेट। ये दोनों क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम और वेंटिलेटर रेट इसमें क्या करते हैं सेट करते थे किसके अंदर असिस्ट कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर जो रेस्पॉन्ड करता है अगर पेशेंट एफर्ट लेता है तो ये जो मोड है वो एफर्ट के क्या करता है रेस्पॉन्ड करता है, कंट्रोल मोड नहीं कर रहा था रेस्पॉन्ड लॉक आउट कर रहा था इसलिए लीस्ट था, ये क्या कर रहा है रेस्पॉन्ड कर रहा है इसलिए मोस्ट कॉमन भी है। फिर बात करते हैं क्लाइंट का जो कंट्रोल होता है, क्लाइंट कंट्रोल क्लाइंट जो होता है कंट्रोल कर सकता है अपना रेट ऑफ ब्रीथ। इसके अंदर क्या होता है क्लाइंट खुद ही कंट्रोल कर पाता है अपना रेट ऑफ ब्रीथ, कितना उसको रेस्पेक्टिव ब्रीथ करना है उसका रेट कितना रखना है वो क्लाइंट खुद ही कंट्रोल कर पा रहा है। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये क्या करता है टाइडल वॉल्यूम मेंटेनेंस सेट करते हैं कि अपने आप देता रहेगा, पेशेंट के अपने खुद के एफर्ट भी आ जाएंगे और खुद भी देता रहेगा तो दोनों दोनों एक साथ मतलब आप पेशेंट के एफर्ट बढ़ गए तो वेंटिलेटर ब्रीथ भी आ रही है तो तब रुक जानी चाहिए थी उस वक्त नहीं रुक रही इसलिए क्या दोनों एक साथ बढ़ जाएंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो बढ़ जाएगा और पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस या हाइपर वेंटिलेशन। क्या हो सकती है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस या हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम क्या हो सकती है अराइज हो सकती है अगर क्या हो गया ये ब्रीथ देना स्टॉप नहीं किया तो, कौन सा मोड असिस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन लास्ट मोड है इसका। इसके अंदर क्या करते हैं सेम टाइडल वॉल्यूम और वेंटिलेटर रेट क्या करते हैं सेट कर देते हैं, ईच दो वेंटिलेटर ब्रीथ के बीच में क्या जा रही है टाइडल वॉल्यूम जा रही है, ईच वेंटिलेटर ब्रीथ के बीच में टाइडल वॉल्यूम जाती रहती है। और थर्ड जो इसके अंदर ये क्या करता है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन ऐसे याद रखो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को प्रमोट करता है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को प्रमोट करता है
फिर बात करते हैं इस मोड को प्राइमरी वेंटिलेशन मोड या फिर विनिंग मोड भी बोलते हैं। प्राइमरी वेंटिलेशन मोड, विनिंग मोड अगर एग्जाम में आए कि प्राइमरी वेंटिलेशन और विनिंग मोड किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे पर सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट एनर्जी वेंटिलेशन को। अगर असेस करना हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैक्रिम वेंटिलेटर किसी क्लाइंट को लगा हो और आपको असेसमेंट देखते हैं, अगर अलार्म करता है तो असेसमेंट जब करने जाते हैं तो पहले अपन देखते हैं क्लाइंट को, उसके बाद देखते हैं अपन वेंटिलेटर को, ये आपने ध्यान रखना है। आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर हो। चारों के अंदर डिफरेंस बता देता हूं। बाईपैप जब यूज करते हैं जब पेशेंट को क्या हो, मस्कुलर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो। कंट्रोल मोड तब यूज करते हैं जब पेशेंट क्या कर रहा है, इनिशिएट नहीं कर पाया एफर्ट। असिस्ट कंट्रोल तब यूज करते हैं जब क्लाइंट एफर्ट कर पाता है और वेंटिलेटर भी थोड़ा दे देता है, तब अपन यूज करते हैं असिस्ट कंट्रोल। ध्यान रखते हैं रेस्पिरेटरी इंट्रूजन नहीं हो। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन कब यूज करते हैं, जब क्लाइंट को खुद को इंडिपेंडेंट बनाना हो या विनिंग की तरफ आपको प्रमोट करना हो। विनिंग का मतलब मैंने बताया था कि वेंटिलेटर ब्रीथ कम होती जाती है, पेशेंट के खुद के स्पॉन्टेनियस खुद के एफर्ट बढ़ते जाते हैं और पेशेंट क्या स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करता जाता है, तो इस मोड को क्या बोलते हैं, विनिंग मोड कहते हैं। और ये प्राइमरी मोड यूज होता है SIMV जो वेंटिलेशन है, मोड ऑफ वेंटिलेशन वहाँ यूज होता है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।